हेलो बेटा, क्लास सिक्स। बेटा, 21 मई को, मतलब लास्ट मैथ्स के पीरियड में, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सेंड किए था। और बेटा, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट पीरियड में आपको समझाऊंगा। आज बेटा, मैं आपको इसी का डिस्क्रिप्शन देता हूँ, आप इसको समझिएगा जरा। पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्या था? द पीस ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, एक शर्ट के लिए 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो 16 शर्ट्स के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी? बेटा, आपको मैंने पहले ही बताया, जब कभी भी आपको एक यूनिट की वैल्यू दी जाए और ज़्यादा की पूछी जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट के लिए कितने कपड़े की जरूरत थी? 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। 16 शर्ट्स के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आएगा? 45 मीटर 60 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा रफ में, ठीक है। दूसरा, फॉर मेकिंग 16 शर्ट, 16 शर्ट बनाने के लिए 44 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो एक शर्ट के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी ईच शर्ट के लिए? बेटा, ये उसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, मतलब जब आपको ज़्यादा की वैल्यू दे दी जाए और वन की पूछ ले तो डिवाइड करना है। देखिए, क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट 44 मीटर, क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट के लिए 44 मीटर को आप कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। 44 × 100 कर दिया हमने बेटा, यहाँ 44 से 4400 कर दिया। क्यों? क्योंकि 44 को 16 से डिवाइड करते तो बेटा दिक्कत होती, हमने क्या किया, सीधे सीधे इसको, अगर आप वैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये ईजिएस्ट मेथड है। 44 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 16 से डिवाइड कर दिया बेटा, आ गया आपका क्या, 275 सेंटीमीटर। अब इस 275 सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, तो 200 का 2 मीटर हो गया और 75 सेंटीमीटर बच गया। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपका है, एक ट्रेन है 680 किलोमीटर जाती है 16 आवर्स में, तो ये ट्रेन एक घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? ये भी बेटा वैसे ही है, एक घंटे का पूछा है और 16 घंटे का दिया हुआ, डिवाइड करना है, ठीक है, बहुत आसान है। जब कभी भी ज़्यादा की वैल्यू दी जाए, एक ही पूछे डिवाइड करना है, एक की देते ज़्यादा की पूछे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए पॉट है, एक पॉट में 3 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड दही है, और अगर इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ, अगर 25 ml कैपेसिटी के आपके पास ग्लास हैं तो आप कितने ग्लास उस तरीके से फिल कर सकते हो? बेटा, जब कितने ग्लास पूछा है तो आपको सीधे सीधे डिवाइड करना है। टोटल जो क्वांटिटी है कर्ड की 3 लीटर 500 मिलीलीटर है, हमने आपको क्या बोला, एक ही यूनिट में होना चाहिए, एक आपका जो ग्लास की कैपेसिटी है वो मिलीलीटर में दी हुई है, 225 मिलीलीटर, और आपकी कर्ड क्या है लीटर और मिलीलीटर में, तो इसको भी आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 3500 मिलीलीटर आ जाएगा। 3 लीटर का 3000 मिलीलीटर हो जाएगा, और 500 मिलीलीटर ऑलरेडी है, दोनों को प्लस करेंगे 3500 ml हो जाएगा, और ये आपका क्या है, ग्लास की कैपेसिटी 25 ml है। अब आप इसको डिवाइड करके आंसर आएगा 140, मतलब कि कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं, 140 ग्लासेस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, एक शहर की टोटल पॉपुलेशन क्या है, 2875-6304, अगर वहाँ पे फीमेल्स का नंबर इतना है तो बेटा आपको क्या बताना है मेल्स का। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, आप थर्ड फोर्थ वाला क्वेश्चन आ गया, माइनस करना है भाई, टोटल पॉपुलेशन दी है, फीमेल की पॉपुलेशन दी है, मेल की पता करनी है, टोटल से फीमेल को माइनस कर दीजिए, आपकी मेल की पॉपुलेशन आ जाएगी, बहुत ईजी है। 6th क्वेश्चन में आ जाइए बेटा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर, ठीक है। आपको लार्जेस्ट कितने डिजिट के नंबर, लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर। बेटा, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 999, लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर क्या है, 9999, और लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर 5 बार 9 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन 7 में आ जाइए, एक स्कूल में 35 रो हैं और स्ट्रेंथ जो स्कूल की है 1680 है, मतलब स्कूल में टोटल 1680 बच्चे हैं जो कि 35 लाइंस में खड़े हैं, आपको बताना है एक एक लाइन में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो बेटा आपको पहले ही पता है, एक एक लाइन का अगर एक का वैल्यू पता करना है आपको, क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है, ठीक। टोटल बच्चे 1680 और एक लाइन में 35 बच्चे हैं, टोटल 48 लाइन लगी हुई, मतलब 48 रो टोटल वहाँ पर बने हुए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको हम होमवर्क देते हैं, 8 और 9, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, चलिए इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन 8 में क्या है, हाउ मेनी बैग्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग 840 मैंगोज व्हेन ईच बैग कंटेन्स 20 मैंगोज, एक एक बैग में 20 मैंगो है तो 840 मैंगोज को पैक करने के लिए कितने बैग की जरूरत पड़ेगी आपको? बेटा क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बैग, ठीक है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ मैंगोज है, ये नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बैग है, आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड। क्वेश्चन 9, 60 चेयर्स हैं, 40 ब्लैक बोर्ड्स हैं, ये खरीदे गए एक स्कूल के द्वारा, चेयर का कॉस्ट, एक चेयर का कॉस्ट 225 है और एक ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट बेटा कितना है, 450। आप चेयर के कॉस्ट को चेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर क्या होगा, 60 × 225, और टोटल ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट क्या होगा बेटा, 40 × 450। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के आंसर्स को प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा होमवर्क। थैंक यू।